यहाँ पर हमने लिए हमारे बचे हुए चावल, दही और थोड़ी सूजी। इसका मेजरमेंट है, अगर आपके पास एक कटोरी चावल है तो उससे आधा आप दही डालें और उससे आधा आप सूजी डालें। अब इनको हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। अब इसको हम 2 सेकंड के लिए मिक्सर जार में घुमाएंगे। मिक्सर जार में हमारा घूम चुका है बेटर। अगर आपको इसमें पानी की जरूरत पड़े, बिना पानी के अगर नहीं घूमदा रहा हो, आपको बिना दही के साथ आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और इस बेटर को हम बॉल में निकाल लेंगे। ना तो हमें मीठा थोड़ा डालना है ना खाने का थोड़ा डालना है। अब इसमें नमक तो पहले ही था, लेकिन हम थोड़ा सा और नमक डालेंगे और इसको एक तरफ रख लेंगे। अब हम इसमें डालने के लिए सब्जियां चाहिए हमको। हमने लिए एक शिमला मिर्ची, 2 प्याज और 2 टमाटर लिए हैं। इनको हम बारीक बारीक काटेंगे। 5 मिनट गलाने के बाद हमको इस प्रकार का बेटर रखना है। वो मैंने बताया जो सूजी की क्वांटिटी बहुत कम थी, उसका बेटर सही नहीं बन रहा था, इसलिए हम नाप लेंगे। 1 कटोरी हमने चावल लिए हैं तो 1 कटोरी हम सूजी डालेंगे। डालने के बाद हमने इसको इस प्रकार का हम करेंगे, हमारा इसमें बेटर बनेगा। इसके लिए हमने बिल्कुल बारीक बारीक हमने सब्जियां काट रखी है। अब चलते हम गैस की तरफ। तवा गर्म हो चुका है, हमको इस पर तेल लगाना है और हमारा जो बेटर है हम उसको बीच में डालेंगे। जो हमने सब्जियां काट रखी हैं उसको फैलाएंगे धीरे धीरे। और इसको हल्के हाथों से हम दबाएंगे। इसके आसपास हम तेल डालेंगे। हमें पहले इसके किनारे छुड़ाने हैं। अब हम इसको हल्के हाथों से हम इसको टूटेगा तो भी कोई बात नहीं है, फटाफट हमें इसको पलटना है। फिर हमें वापस इसमें तेल डालना है। 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। इसको हम छोटे साइज का भी बना सकते हैं।